सुंदर त्वचा की चाहत किसे नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन बहुत सुंदर हो, उसका चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। लेकिन इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस टेंशन भरे जीवन में इतना समय ही नहीं निकल पाता कि हम अपनी स्किन की देखभाल कर सकें, वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ चेहरे पर होने वाली झाइयों के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। फ्रेंड्स, चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। हम अधिकाधिक बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं या फिर तले हुए भोजन का प्रयोग करते हैं। हमारा जो खान पान की व्यवस्था होती है बहुत ही गलत होती है कई बार, और उसके कारण उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले हमारे चेहरे पर नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी आपको कि आपके चेहरे पर जो झाइयाँ हो रही हैं वह 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, किसी फोड़े फुंसी के दाग धब्बे हैं वह भी चले जाएंगे। तो यह मैंने ताज़ा नीम लिया है, और इस ताज़ा नीम को मैंने, यह मैंने पत्ती एक कटोरा या एक कटोरी पत्ती आप ताज़ा नीम की ले लें, और इसे मैं कूटनी में इन्हें कूट लेती हूँ। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसे पीसने के लिए। और अब हमें चाहिए 2 चम्मच नीम की पत्तियों का रस। नीम स्किन को के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी प्रकार की यदि एलर्जी हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो स्किन में, उसके लिए रामबाण औषधि होती है। और दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ इसमें एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी जानते हैं कि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने ताज़ा एलोवेरा लिया है जिसे मैंने पानी में पहले थोड़ी देर के लिए डुबो दिया था, जिससे कि इसका जो हरा जो तत्व होता है वह निकल जाए। और अब इसके बाद हमें इसका जो गूदा होता है वह नहीं लेना है, हमें केवल रस लेना है। 2 चम्मच लगभग मैं यहाँ पर रस ले रही हूँ। तो हम रस को कुछ इस तरह लेंगे, ये देखिए जो चाकू होता है उसी से मैं यह रस ले रही हूँ इस तरह, क्योंकि इससे गूदा नहीं आएगा, केवल रस ही रस इसमें आएगा। और अब अगली चीज़ मैं लेने वाली हूँ इसमें मुल्तानी मिट्टी। यह घर का बना हुआ मुल्तानी मिट्टी पाउडर है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ सभी घर की बनी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें होती हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो आप भी कोशिश ये करें कि घर की चीज़ें ही यूज़ करें। और यह तुलसी का पाउडर है, तुलसी, और यह भी घर का बना हुआ है, और यह पुदीना पाउडर थोड़ा सा। यह स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और यह यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बूंद नींबू का रस। यह ऑप्शनल है, इसे आप ले भी सकते हैं। यदि आपको नींबू के रस से एलर्जी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यदि पेस्ट आपको गाढ़ा नज़र आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा और ऐड कर दें। और इसे हम अच्छे ढंग से मिक्स कर लेंगे। कई बार क्या होता है, स्किन साफ़ नहीं रहती, इसके कारण भी काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए स्किन का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। साफ़ रहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, कई बार बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रीम लगाने के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो इस पेस्ट को लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, ये देखिए, यह है खीरे की आइस। तो खीरे की आइस को जहाँ हमारे झाई हैं, यह मैं हाथ पे करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन जहाँ पर आपको चेहरे पर लगाना है यह झाई है, वहाँ पर आपको यह खीरे की आइस को इस तरह रब करना है। खीरा किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जो होते हैं उन्हें हटाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि यह जो नुस्खा है यह बहुत जल्दी काम करता है। क्योंकि मेरे भी झाई हो गई थी और मैंने इस नुस्खे को यूज़ किया, और मेरे केवल 2 दिन में झाई का निशान भी नहीं रहा, एकदम समाप्त हो गई। और कितनी भी पुरानी आपकी झाई हो, यह नुस्खा आपका बिल्कुल उन झाइयों को हटा देगा। तो और ये देखिए, मैंने 5 मिनट रब करने के बाद 15 मिनट इसे सुखाया, उसके बाद मैंने इसे वॉश कर दिया। इसी तरह आपको चेहरे पर करना है। और उसके बाद हमें नारियल का तेल
बिल्कुल शुद्ध नारियल का तेल या फिर एलोवेरा जेल स्किन पर लगा लेना है, और यह चीज हमें 2 दिन के लिए करना है। 2 दिन में ही फर्क नजर आएगा आपको। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच